कर्नाटक के उडुपी जिले के टोल नाके पर बुधवार को एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के एक्सीडेंट का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां बारिश के कारण गीली सड़क पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस कुछ ही सेकंड में चकनाचूर हो गई। उडुपी के बिंदूर इलाके में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस में एक पेशेंट और 2 अटेंडेंट सवार थे, वहीं इनमें से एक मृतक टोल कर्मी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस एक मरीज को इलाज के लिए उत्तर कन्नड़ जिले के होनावरा ले जा रही थी। बिंदूर इलाके में स्थित नेशनल हाईवे के एक टोल नाके से ठीक पहले लेन में 2 जगह स्टॉपर लगे हुए थे। तेज रफ्तार एम्बुलेंस को आता देख टोल सुरक्षा कर्मी पहली लाइन में लगा स्टॉपर हटाने भागा। वो स्टॉपर हटा भी चुका था, ठीक इसके बाद एक और स्टॉपर सड़क पर रखा था जिसे दूसरे सुरक्षा कर्मी ने भाग कर हटाया। एम्बुलेंस तो सुरक्षित निकल जाती, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सड़क पर अचानक गाय आ गई, इसे बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और एम्बुलेंस सड़क पर पड़े पानी के कारण फिसल गई और 360 डिग्री तक घूमते हुए पलट गई। एम्बुलेंस जैसे ही बेकाबू होकर घूमी उसका दरवाजा खुल गया और पीछे बैठे मरीज व मेडिकल स्टाफ हवा में तेजी से उछलकर सड़क पर गिर गए। इसके बाद एम्बुलेंस टोल बूथ पर बने केबिन से टकराई। इस दौरान दूसरा स्टॉपर हटाने वाला कर्मचारी और टोल बूथ के अंदर मौजूद स्टाफ भी एम्बुलेंस की चपेट में आ गए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गाय को बचाने में ये हादसा हुआ है। हादसे की एक वजह रोड क्लियरेंस में देरी भी है। अगर समय रहते बैरिकेड्स और गाय को हटा दिया गया होता तो शायद हादसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।